अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कंपनी की लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि कल 21 दिसंबर था और 21 दिसंबर को आदम अमीन चौधरी की कोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर हेयरिंग थी। तो दोस्तों कल की जो हेयरिंग हुई उस समय आदम अमीन चौधरी की जो दरख्वास्त जमानत थी वो मुस्तरद होगी। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने आदम अमीन चौधरी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। उसकी जो वजूहात अदालत ने बताई वो यही हैं कि आदम अमीन चौधरी पर पब्लिक चीटिंग का केस है और इसके अलावा आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें आई हैं जिसमें कहा गया है कि आदम अमीन चौधरी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया। तो इस तरह अदालत ने इन वजूहात को देखते हुए आदम अमीन चौधरी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में आदम अमीन चौधरी की जो लीगल टीम है वो दोबारा जमानत के लिए कब अप्लाई करती है। ये तो पता चल ही जाएगा कि अब दोबारा जमानत के लिए कब अप्लाई करेंगे, लेकिन जो फ़िलहाल है वो आदम अमीन चौधरी की दरख्वास्त जमानत रिजेक्ट हो गई है और अब आदम अमीन चौधरी मजीद और जेल में रहेगा। तो ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कंपनी के मेंबरान के लिए एक बैड न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब देखते हैं कि आदम अमीन चौधरी को आने वाले वक्त में ज़मानत मिलती है या फिर आदम अमीन चौधरी वैसे ही जेल में रहेगा। तो दोस्तों आज की जो अपडेट थी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कंपनी के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।